सब्सक्राइब करिए द हंगर क्रू चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Back to our channel and we are back with another video after so long. So अब जो है हम वीडियो को लेकर रेगुलर होने वाले हैं और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन और हमारे वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखिए इतनी इंटरेस्टिंग है उसको भी लाइक करिए शेयर करिए। यस सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम क्या करने वाले हैं वीडियो में। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट रिव्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं रिव्यू घर से बना खाना। नंदा किशोर दी हट्टी जो घर से खाने की डिलीवरी कर रहे हैं और ये स्विगी पे भी अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो ऑर्डर देयर फूड फ्रॉम स्विगी गिनी। यस सो आज हम इनकी स्पेशलिटी बेदनी पूरी और आलू का रिव्यू करने वाले हैं और ये जो घर से बना खाना नंदा किशोर दी हट्टी जो है ये वेस्ट दिल्ली में है और वेस्ट दिल्ली के लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं और जो वेस्ट दिल्ली से कहीं और रहते हैं सो स्विगी गिनी के थ्रू जो है इनका फूड ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिव्यू वीडियो। सो हियर इज द स्पेशलिटी ऑफ नंदा किशोर दी हट्टी बेदनी पूरी आलू। तो देखते हैं इनका पैकिंग एंड एवरीथिंग। पूरी पैकिंग इज गुड, पूरा टेप्ड है सो दैट कुछ भी यू नो कोई निकाल ना पाए और क्या नहीं हो सकता ठंडी 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 तो ये हो सकती है ना ठंडी हो सकती है। पैकिंग इज दिस इज पूरी दिस इज आलू जो वे मोर सफिशिएंट लग रहे हैं मुझे एंड दिस इज पिकल नाइस आम का मिक्स पिकल नहीं आम का आई थिंक एंड दिस इज वन मोर पिकल ओह ग्रेट अंबी का दो दो चार अंबी होते हैं एक होते हैं बिना देखे बोल रहा है नहीं नहीं दिख रहा है भाई साहब अच्छा यू वांट दैट नो आई हैव स्पेक्स स्मेल मेबी ओ ग्रेट सो दिस इज अंबी का अचार इतना सारा मिर्ची का अचार भाई साहब और सबसे बढ़िया चीज इस पे टेप लगा रखे ताकि सब्जी ओवरफ्लो ना हो नीचे गिरे ना। देखिए अभी हमारी ये आई है सब्जी और ये पूरी तरीके से टेप्ड है और ये बिल्कुल भी कहीं से भी ओवरफ्लो नहीं हुई है एंड वन मोर पिकल मतलब आई थिंक ये घर से बना अचार होगा ना। यस ये उनका खुद का ही हैंडमेड पिकल है और दिस इज आई थिंक सो टॉप सन आई डोंट नो मतलब ये दूसरा पिकल दो दो फाइव पूरी आई डोंट थिंक सो कोई पांच पूरी देता है एक प्लेट में बट दे आर प्रोवाइडेड एंड यस वन मोर थिंग ये जो पूरी है ये मस्टर्ड ऑयल में फ्राइड है एंड ये जो आलू है दिस इज देसी घी के अंदर जो है आलू बनाए गए हैं नो रिफाइंड नथिंग लाइक दैट आपकी हेल्थ के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ यहाँ नहीं किया जा रहा बहुत अच्छी चीज है बिकॉज आई थिंक सो सारे ही अवॉइड करते हैं रिफाइंड को एंड यस गार्निशिंग इज रियली वेरी गुड गार्निशिंग देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है खुशबू भी बहुत क्या लॉन्ग सॉरी हींग की क्या खुशबू है चलिए देखते हैं ओ भाई साहब वो पूरा देगी ओ ग्रेट मतलब पूरा हमारा बाउल फिल्ड हो गया है इससे एंड आई थिंक सो क्वांटिटी वाइज इट्स गुड क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा है प्लस आई एम मेरे को तो सबसे अच्छी बात क्या लगी कि ये मस्टर्ड ऑयल में जो हेल्थ कॉन्शियस है और ऑब्वियसली हेल्थ इज यू नो द फर्स्ट थिंग सो आई थिंक सो दिस वन इज रियली वेरी गुड
गार्निशिंग इज वेरी गुड, पैकिंग इज वेरी गुड, प्लस सबसे अच्छी बात मस्टर्ड ऑयल और देसी घी में बनाई गई है. एंड वन मोर थिंग, आलू जो है वो बनाए गए हैं विदाउट गार्लिक एंड अनियन. विदाउट गार्लिक एंड अनियन जो है ये आलू की मेकिंग है. यस, विच इज अ गुड थिंग. वन मोर गुड थिंग, एंड क्वांटिटी वाइज इट्स वे मोर सफिशियंट. मतलब क्वांटिटी वाइज इट्स रियली वेरी गुड. आई एम गोना गिव, मतलब पैकिंग का तो मैं इनको फुल आउट ऑफ फुल दूंगी. एंड यू यस, एंड ऑल्सो द क्वांटिटी वाइज इट्स रियली वेरी गुड. क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है. आपको दो दो तरह के अचार दिए जा रहे हैं. वन इज घर से बना अचार जो अम्बी का अचार है, और दिस इज अनदर वन, तो जिसको जो अचार खाना है वो खा सकता है. प्लस मैं तो बोले हमेशा क्या करती थी, जैसे अगर मैं हम लोग बाहर खाना खाने जाती थी तो मैं तो इसी की वेट, एग्जैक्टली मैं इसी की वेट करती थी कि ये आई सॉफ्ट मिले और फिर हम टिश्यू पेपर में इतना सारा भर भर के खा लेते. तुमने नहीं ऐसा किया? चलो लेट्स गिव अ टेस्ट टू दिस. अच्छा मैंने क्यों, लेट्स गिव अ टेस्ट टू दिस स्पेशलिटी ऑफ नंदा किशोर दी हट्टी बेगनी पूरी. चलिए अपना अपना उठा लीजिए. पिकल को रखिए यहाँ पर. यस, पुलकित क्या हुआ? पहले हमारी दीदी रिव्यू देंगे, उसके बाद देखते हैं. दीदी की रिव्यू वेट कर रहा हूँ मैं तो. दीदी का रिव्यू देने का मन नहीं कर रहा. वो दीदी बहुत माउथ वाटरिंग है ये. दीदी कह रही है मैं जल्दी फटाफट खा लूं. मैंने दीदी दीदी रिव्यू में आतंक जी बताओ. कैसा है? रोम रोम खुश करने वाले हैं ये बेदमी पूरी. और बेदमी पूरी की स्टफिंग इज टू गुड. पता चल रहा है बेदमी पूरी में, मतलब बेदमी पूरी में भी हर तरीके का फ्लेवर का यू नो मुंह में आ रहे हैं. और क्रंचीनेस भी है, क्योंकि बेदमी पूरी की आई थिंक सो क्रिस्पीनेस. यस एग्जैक्टली, क्रिस्पीनेस है. प्लस ये जो आलू है, माइंड ब्लोइंग आलू है, माउथ वॉटरिंग. लाइक इस आलू में हर तरीके, मतलब हर फ्लेवर आपको देखने को मिल जाएगा. हींग का प्रॉपर फ्लेवर और मसाले जो डले हुए हैं एग्जैक्टली अपने बैलेंस्ड हैं. सारे मसाले बैलेंस्ड हैं, ना ओवर मतलब ओवर स्पाइसी नहीं है, ना ही बिल्कुल कम स्पाइसी है. मतलब एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं. और पूरी में भी अजवाइन इतनी बढ़िया लग रही है ना भाई साहब. मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं है, जैसे खाकर जो होता है कि सबसे बेस्ट चीज मेरे को पता क्या लगी, सबसे बेस्ट क्या कुछ बताओ इसका. अच्छा, ओ माय गॉड, ये अम्बी का अचार, इसके अंदर टैंगीनेस स्वीटनेस दोनों आ रहे हैं. मतलब वो टेस्ट के भाई साहब माइंड ब्लोइंग, से यम्मी लगा मेरे को ये अचार आज तक. और होम मेड ये है, बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड है दोनों चीजें. और ये 100 रुपीज की प्लेट है. 100 रुपीज में 5 पूरी, विच इज वे मोर सफिशियंट. मतलब एकदम सफिशियंट है. क्वांटिटी वाइज इट्स वेरी गुड, क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड, पैकेजिंग के अकॉर्डिंग भी इट्स वेरी गुड. आई एम गोना गिव 10 out of 10 टू दिस घर से बना खाना नंदा किशोर. आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, हमें तो भाई बहुत टेस्टी. एग्जैक्टली, यू गाइस गोना लव दिस. एक्चुअली में मतलब आप यही खाते रह जाओगे. ये वाला रिव्यू तो दिया, फोन करके स्पेशली रिव्यू देने लगा चार के लिए. एग्जैक्टली, हम भी यहाँ से बोलना चाहते हैं नंदा किशोर दी हट्टी वेरी वेल डन. बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर है, हर तरीके के स्पाइसेस आपकी इस सब्जी में मिल रहे हैं. और बेदमी पूड़ी तो इट्स लाइक फुल ऑफ क्रिस्पीनेस. जो इसके अंदर स्टफिंग है इट्स रियली वेरी गुड. योर अचार इज रियली वेरी गुड. सो
बिग थम्स अप टू देम। हम सो इट्स अ मोस्ट सजेस्टेड फूड फ्रॉम नंदा किशोर दी हट्टी। सो यू गाइज डू चेक इट आउट देयर स्विगी पेज एज वेल एज, अगर स्विगी की रेंज से आपका ये बाहर जा रहा है देन यू कैन ऑर्डर देयर फूड फ्रॉम स्विगी गिनी एज वेल। एंड वेस्ट दिल्ली में तो ये आई थिंक डिलीवरी कर रहे हैं, ये खुद ही डिलीवरी कर रहे हैं, ये खुद भी डिलीवरी कर रहे हैं, यस खुद भी डिलीवरी कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली में। एंड इट्स मस्ट विजिट प्लेस, वेरी गुड फूड प्लस दिस दीदी फटाफट बस सब वीडियो बस सब यू नो मेरे को तो वेट नहीं हो रहा, मेरा तो मुंह में आ रहा है पानी। अब तुम फटाफट से साइनिंग ऑफ कर दो, हम खाते हैं, मैं खा रही हूँ, तुम साइनिंग ऑफ करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और होप करते हैं आपको हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो क्या करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल द हंगर क्रू। Bye bye. Love you all.